पंपती पुलिस के द्वारा गुरुवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में 3 आरोपियों को पकड़ा गया था। पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि उसने बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स शाहजहां बेगम व निजी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन कृष्ण पाल भदौरिया एवं व अनंत हॉस्पिटल के मेल नर्स दीपक बिसेन से रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अस्पताल की नर्स व लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा है। वहीं इस रैकेट से जुड़े अनंत अस्पताल में कार्यरत मेल नर्स दीपक बिसेन व मेडिकल स्टोर संचालक श्याम लोधी की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को पहली डोज में 2 इंजेक्शन लगाने के लिए दिए जाते थे। उसमें से वे मरीज को सिर्फ 1 इंजेक्शन की डोज लगाते थे और दूसरा इंजेक्शन बचाकर नरेंद्र को बेच देते थे। डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर जो पकड़ा गया था, उससे दोबारा जो हमने पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की, उसने बताया कि एक बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स शाहजहां थी जो उसको इंजेक्शन उपलब्ध कराती थी। उसके कहे अनुसार जो है हमने शाहजहां को लाकर पूछताछ की, तो उसने यह एक्सेप्ट की कि वह जो है मरीजों को जो इंजेक्शन लगाने के लिए दिए जाते थे, जो फर्स्ट डोज होता है 2 इंजेक्शन का, उसमें वह 2 की जगह 1 लगाती थी और 1 को चुरा करके और उसको बेचती थी। इस तरह से उसने कुल करीब 12 इंजेक्शन बेचे हैं और उसके 1,69,000 उसने अपने फोन पे के माध्यम से अपने अकाउंट में लिए हैं। उसका स्टेटमेंट जो है हिस्ट्री अपन ने फोन पे से निकाल लिए, सारी जो नरेंद्र ठाकुर ने जो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं वो सारी जानकारी उपलब्ध है और हमने उसको अरेस्ट भी कर लिया। तीन हॉस्पिटलों का नाम आया था, इसमें अनंत हॉस्पिटल भी शामिल था और लाइफ, तो क्या उन दोनों की जगह कुछ जांच हुई है? हाँ, अनंत हॉस्पिटल से एक दीपक बिसेन का नाम आया था, उसने भी 10 इंजेक्शन जो है इसको उपलब्ध कराया था डॉक्टर नरेंद्र सिंह को। दीपक बिसेन क्योंकि फरार है और उसको हम जो है बालाघाट पुलिस से बात हुई है, उसको हम वहां से अरेस्ट करवा लेंगे। लाइफ मेडिसिटी में ये काम करते थे दोनों, एक्चुअल में पहले डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर और शाहजहां दोनों पहले वहां काम कर चुके, तो वहीं से इनकी पहचान हुई थी। उसके बाद ये अलग अलग अस्पतालों में चले गए थे। डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर जो अपने आप को डॉक्टर बोलता है, उसने एक फर्जी बीएमएस की डिग्री बनवाया है, उसकी भी जांच चल रही है। अभी जो हमने प्रथम दृष्टया जो अपराध पंजीबद्ध किया था 420 का किया था, अब इसमें अन्य धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी जो इनके द्वारा कूटकरण किया गया है, जो डॉक्यूमेंट है उनमें उसके आधार पर कूटकरण की धाराएं बढ़ाई जाएंगी।